या गाइज आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप भी यूट्यूब से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा 5 टिप्स शेयर करूंगा जिसे आप फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो वो कौन कौन सा स्टेप है जिसे आप फॉलो करके एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं, तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टेप फर्स्ट यानी टिप्स नंबर 1। तो टिप्स नंबर 1 क्या है? यूनिक कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको YouTube पर यूनिक कंटेंट बनाना होगा। यूनिक कंटेंट मतलब क्या है फ्रेंड्स? यूनिक कंटेंट मतलब आपको YouTube पर ऐसा वीडियो अपलोड करना है जो YouTube पर ना हो, मतलब पहले से अपलोड ना हुआ हो। ऐसा वीडियो आप अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो 101% आपका वीडियो वायरल होगा। इससे क्या होगा, अगर कोई भी ऑडियंस आपकी वीडियो को सर्च करता है तो अगर वो YouTube पे नहीं होगा, केवल आपकी ही वीडियो होगा, अगर वो सर्चेबल होगा, तो सोचिए फ्रेंड्स आपका वीडियो कितना वायरल होगा। मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि आपको यूनिक कंटेंट अपलोड करना हो, ऐसा ही वीडियो जो यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं किया हो, आपको ऐसा सर्च करना है, आपको ऐसा दिमाग लगाना है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टिप्स यानी कि टिप्स नंबर 2, प्रोफेशनल थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल थंबनेल इसका मतलब क्या है? आपको अपने थंबनेल प्रोफेशनल बनाना होगा। दोस्तों प्रोफेशनल मतलब अपना थंबनेल इतना अच्छा बनाना है, कोई भी ऑडियंस आपकी वीडियो को सर्च करता है, अगर आपका थंबनेल प्रोफेशनल रहेगा उसमें कुछ ऐसा डाउट कर दीजिए ताकि आपका ऑडियंस आपका थंबनेल पर क्लिक करने में मजबूर हो जाए। आपका थंबनेल क्लिकेबल होना चाहिए, क्लिकेबल। अगर आपका थंबनेल क्लिकेबल होगा, अगर आपका वीडियो उसके सामने आता है, अगर आपका थंबनेल बेस्ट रहेगा, तब आपका वो वीडियो 101% आपकी वीडियो को क्लिक करेगा और आपका वीडियो 101% वायरल होगा। अब टिप्स नंबर 3 क्या है? कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी का मतलब क्या है? आपको अपने चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना है, यानी कि कंटिन्यूटी आपको अपने चैनल पर बनाए रखना है। इससे क्या होगा कि आपके ऑडियंस एक्टिव रहेंगे, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके ऑडियंस भी एक्टिव रहेंगे। अगर आप एक दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो चाहे जो हो जाए आपको एक वीडियो अपलोड करना ही है। अगर आप 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं या हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आप चाहे जो हो जाए अपलोड करना ही है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी बनाए रखना है अपने यूट्यूब चैनल पर, तभी आपके ऑडियंस एक्टिव रहेंगे। इससे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट टाइम और आपकी वीडियो वायरल होने के ढेर सारे चांस रहते हैं। टिप्स नंबर 4, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके वीडियो एडिटिंग नहीं आता है तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिए प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, सर्च करके आप सीख सकते हैं कैसे वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल बनाई जाती है। आप YouTube पर 1-2 वीडियो देखकर आप वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप कुछ भी अपने वीडियो में अच्छा एडिटिंग नहीं करेंगे तो आपके ऑडियंस बोर हो जाएंगे, आपके वीडियो देखेंगे कुछ टाइम तक देखेंगे वो छोड़कर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका ऑडियो रिटेंशन डाउन हो जाता है, तब आपका वीडियो वायरल होने की कोई चांस नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो एडिटिंग में आप बेस्ट करिए। अपने टिप्स नंबर 5 एंड लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूट्यूबर करते हैं वो इसीलिए यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो आपको नहीं करना है। क्या है वो? सब फॉर सब। सब फॉर सब का मतलब क्या होता है कि आप भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपके केवल सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर लेकर आप करोगे क्या? अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर, लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप करोगे क्या ऐसे सब्सक्राइबर लेकर? आपको सब्सक्राइबर से नहीं मतलब है, आपको 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है ना, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा और 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है ऐसा सब्सक्राइबर का? तो आप किसी के साथ अपना वीडियो आप शेयर मत कीजिए, और किसी से मत कहिए कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या अपने फ्रेंड से मत कहिए कि भाई फ्रेंड्स यार मेरा चैनल मैंने नया नया यूट्यूब पर बनाया है, आप मेरे चैनल को यार प्लीज़ सपोर्ट कर दो। अगर आपका चैनल, अगर आपका वीडियो एडिटिंग, अगर आपका थंबनेल बेस्ट रहेगा, अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो 101% आपका वीडियो, हाँ कुछ टाइम लग सकता है, 10 वीडियो 15 वीडियो 20 वीडियो अपलोड करेंगे नहीं होगा, लेकिन आप एक कैसा हुआ वीडियो अपलोड करेंगे तो 101% आपका वीडियो वायरल होगा। आपको अगर एक वीडियो वायरल हो गया तो आप केवल एक वीडियो से आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको सब फॉर सब नहीं करना है, किसी के साथ आपको अपना वीडियो शेयर नहीं करना है।
अगर आप पांचों टिप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर करके इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।